हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो मौसम का व्यू आप देखिए, यहाँ पे ना एक तितली उड़ रही थी, उसको कैप्चर करने की मैं कोशिश कर रही थी जहाँ जहाँ वो भाग रही थी। और धूप अच्छी खासी लगी हुई है, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। इसके अलावा खाने में देखिए, ये ब्रेकफास्ट के लिए हमने आज ना बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, आलू मिक्स। और बैंगन का कलर ना बिल्कुल एकदम जामुन की तरह है, तो जो कि हम मिट्टू बोल रहा है बार बार, जामुन की तरह है। जामुन कब खाए इस बार? तो खाए ही नहीं थे। जामुन खाने हैं? अरे बाप रे, कहाँ से लाऊं मैं जामुन। इसके बाद चलिए आपको भी दिखाते हैं किस तरह से बनाई। तो पहले तो ऑयल में जीरा और हींग डाल दिया है, और ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही रख रहे हैं, क्योंकि देखिए जो बैंगन है ना, अगर वो थोड़े थोड़े से हल्के से मतलब ऑयल में पकते हैं ना, तो बहुत टेस्टी बनते हैं। और सेम आलू के साथ भी ऐसा ही है, तो इसलिए हमने ये थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा रखा है। और प्याज को देखिए, ये मोटे मोटे करके काटा, और जैसे इसको आप कड़ची से दबाते हो ना, तो फिर अलग अलग हो जाते हैं ये खुद ही। तो ऐसे मोटे मोटे प्याज जो है ना, अच्छे लगते हैं इस तरह की सब्जी में। और साथ ही फिर मैंने ये आलू भी डाल दिए। आलू को अभी इसी प्याज के साथ मैं पकाऊंगी, और आलू इस तरह से पके हुए ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बच्चों को बहुत पसंद है। साथ ही अभी जैसे ये हल्का पक गया सब कुछ, तो अभी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये मिक्स वाला मसाला, और नमक, साथ में मेथी पाउडर। मेथी पाउडर अगर आप डालते हो ना, बहुत टेस्टी बनती है आलू की सब्ज़ी। कभी भी आप ट्राई करना आलू की सब्ज़ी में, अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो वो डाल सकते हो, अगर नहीं है तो आप मेथी पाउडर भी डाल सकते हो, तो बहुत टेस्टी बनती है। इसके अलावा अभी ये देखिए बैंगन इसमें ऐड कर लिए हैं, और बैंगन को ज़्यादा मतलब पतला पतला नहीं काटा, थोड़ा मोटा मोटा ही रखा। और बस इसी तरह से इसी में इसको हम अच्छी तरह से कुक करेंगे। और बाकी फिर टमाटर अगर आप अपने हिसाब से डालना चाहें तो डाल सकते हो, और अगर ना भी डालने हो तो थोड़ी सी खटाई डाल दीजिए। मतलब मैं आंवला पाउडर डालना पसंद करती हूँ, और टमाटर मुझे उतने खास पसंद नहीं आते, लेकिन क्योंकि ये सब्ज़ी पतिदेव बना रहे हैं और उनको बिना टमाटर के सब्ज़ी जैसे अच्छी लगती ही नहीं है, हर चीज़ में बस टमाटर। और मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे बिना टमाटर की सब्ज़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बस हल्का सा आप अगर खटास चाहते हो, मतलब उस तरीके का टेस्ट, तो आंवला पाउडर या आमचूर पाउडर डाल दीजिए। आंवला पाउडर अगर डालते हो तो हेल्दी भी हो जाता है, सब खा लेते हैं मतलब बहाने से। और बस फिर अभी आप देख सकते हो, जैसे ये टमाटर अच्छी तरह से कुक हो गए ना, उसके बाद अभी देखिए सब्जी, और सच में बहुत टेस्टी वाली ये सब्जी बन के रेडी हुई है। हम लोग ना ज़्यादातर सब्जी, रोटी मतलब चपाती, इस तरह से ब्रेकफास्ट में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। कहीं भी देखना, पहाड़ी घरों पे यही ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में मिलता है देखने को। और यहाँ पे बना रहे हैं आज चने की दाल, और वो भी डैडी लगा रहे हैं पंजाबी तड़का। देखते हैं, ये देखो डैडी का आज पंजाबी तड़का। तो चलो देखते हैं कि कैसे कैसे बनाते हैं डैडी, क्योंकि डैडी बोलते हैं कि यार आप थोड़ा चटपटा नहीं बनाते हो। तो आज देखते हैं जरा किस स्टाइल से। और ये डैडी ने जीरा डाल दिया है, ये 2 चम्मच जीरे की डाल दी है। अब देखते हैं आगे क्या डालते हैं ये। और ये डाल दिया लहसुन और अदरक। अब डाल रहे हैं प्याज, और आज ये डैडी की कुकिंग चल रही है। और ये थोड़ा सा डाल दिया है तड़के में बेसन। पंजाबी तड़का बन रहा है डैडी ने, बड़ी बारीक, बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है तड़के की, ये देख सकते हो, जूम कर रहा हूं मैं ये, और दिखा भी देता हूँ कि डैडी कड़छी चला रहे हैं, ये देख लो। फिर बाद में बोलना मत कि कोई और बना रहा था। और इसके बाद ये डाल दिया है इन्होंने टमाटर। अभी मसाले और हल्दी बिल्कुल नहीं डाली हुई है, इससे पहले इन्होंने टमाटर डाल दिए, और ये नमक डाल दिया है, और ये हल्दी वगैरह, लाल मिर्च और मसाला डाल दिया है। एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर चले गया था तो ध्यान नहीं रहा मुझे रिकॉर्ड करने का, बोल लीजिए। अब इसके बाद जो चने की दाल उबाली थी ना, वो डाल रहे हैं अभी। अब
इसके अलावा ये पिछली नाइट का है, जब मैंने ये साड़ी हॉल जिस दिन किया था वीडियो, तो ये क्लिप मैं आपके साथ शेयर नहीं किया था। इस दिन मतलब मेरी सिस्टर भी आई हुई थी और बच्चों को मतलब बहुत चाव लगा हुआ था कि मैंने साड़ी पहनी हुई है, तो बार बार मेरे को खींच खींच के ला रही थी शानवी, मम्मा मेरे साथ डांस करो डांस करो। तो फिर बस हम मस्ती कर रहे थे ऐसे ही, और बच्चे भी क्योंकि मौसी आई हुई थी भाई, और जब भी कोई मेहमान आता है तो बच्चों को तो बड़ा चाव लगता है, और इसलिए फिर हम सब मस्ती कर रहे थे। और साड़ी की बात बताऊं तो एक मैंने ना ट्रिक फाइंड आउट किया है, ऐसे मैं जितनी भी मेरे पास साड़ियां ना स्टिच्ड रहती थी, और स्टिच करने के लिए 1300 रुपये लगते हैं, तो मैंने वो वाली बचत कर दी है इस ट्रिक की हेल्प से। चलिए आगे कभी शेयर करूंगी आपके साथ। और इतनी ईजी हो गई थी साड़ी की, मैंने सारे काम इसी में निपटा लिया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो बस अभी हम खाना खा रहे हैं, तो बेबी आई थी आज, दिन में थोड़ी सी लेट हो गई थी ये, और अभी खाना खा रहे हैं। तो ये सामने वंदना बैठी हुई है, और ये मिट्टू और शानवी है, और अभी चपाती बनाई है, थोड़ा पुलाव बनाया हुआ है तो बस, और दाल बनाई हुई है, दाल मखनी बनाई हुई है मैंने, और बेबी के लिए पुलाव स्पेशल, बेबी को ज्यादा पुलाव अच्छा है। और एक ये सामने बैठी हुई है वंदना, ये बस साड़ी में वो उठ कर ये हाय हाय कर रही है, देखो ये देखो आज हम डांस करेंगे। शान ने अपना गाउन ड्रेस पहना है और मैं साड़ी हॉल कर रही थी, तो अभी इसने मेरे को ये वाली साड़ी उतारने नहीं दी कि हम लोग बोला डांस करेंगे पहले। तो चलिए कभी कभी फैमिली के लिए जो करना पड़ता है, चलो अभी डांस करें, थोड़ी देर के बाद खाना खा लेते हैं। ओके आप भी खा लो खाना। तो अभी बच्चों की मस्ती जो है ना ख़त्म नहीं हुई थी, शानवी को तो मतलब इतना ज़्यादा शौक है डांस का कि जब एक बार लग जाती है तो थकान जैसे इसको होती ही नहीं है, बस लगी ही रहती है, फिर खुद भी और हमें भी खींच खींच के कि मम्मा के साथ डांस करो, पापा ऐसा करो वैसा करो। और यहाँ पर ना ये शायद जब हम रेसिपी ले रहे होते हैं ना तो वो छींटे पड़ते हैं, धुआँ जैसा जम जाता है, अगर कैमरा को साफ़ किए भी नहीं लग जाए ना फिर वीडियो बनाने तो क्वालिटी नहीं आती अच्छी, जैसा कि अभी हो रहा है, तो शायद ऐसा ही कुछ हुआ था। और इसके अलावा फिर ये नेक्स्ट डे का है, तो यहाँ पर ना बस मतलब जाम जैसा लग गया था और बस वही निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे पतिदेव और डैडी जी भी थे, तो बस ये पुलिस वाले निकाल रहे थे गाड़ियों को आगे क्योंकि पीछे तक लंबा जाम लग गया था। तो पतिदेव ने फिर ये क्लिप बनाया था और मैंने भी ऐड कर दिया, अभी चलो आपको आसपास का एरिया भी दिखाते हैं। और इसके अलावा फिर देखिए हमने क्या क्या काम किया था। पहले तो मेरा मतलब इसका ही यूट्यूब से रिलेटेड काम था सुबह, उसमें ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद फिर ये हम चेंजेस कर रहे थे रूम में भी, अभी मतलब मैंने आपको बताया था ना कि सारे घर पे कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस हो रहे हैं और आप लोग भी मुझे सजेशन देना कि क्या क्या करना चाहिए। तो पहले हमने सोचा कि इस अलमीरा को निकाल देते हैं मतलब बाहर, और इसको कहीं दूसरे जो दूर दो रूम पिछली साइड को है वहाँ पे शिफ्ट करते हैं, लेकिन फिर वो वाला हमारा ट्रिक जो है फेल हो गया। फेल इसलिए हुआ क्योंकि ये मतलब ना हमारे ही रूम में जचनी थी और बाकी रूम्स में स्पेस तो था लेकिन फिर भी सही नहीं लग रही थी ये। फिर यहाँ पे इस वाले रूम में भी हमने सोचा कि कुछ चेंजेस किए जाएँ क्योंकि अलग अलग बेड हमने लगाए हुए थे शानू मिट्टू की जिद की वजह से, पर हाँ बच्चे छोटे हैं अकेले वो सो तो सकते नहीं हैं, तो इसलिए ये वाला प्लान भी हमारा फ्लॉप था। और फ्लॉप इन द सेंस भी जॉइंट अच्छे लगते हैं ना, जैसे कोई आ भी गया तो ठीक रहता है, इसलिए फिर हमने सोचा कि इनको भी एकदम ज्वाइन कर देते हैं। तो अगेन आज फिर से मतलब यही काम करने लग गए हम, खिंचाई वाला, पर अब क्या करना, अभी देखो नहीं मिलते लेबर वाले भी। मैं रियली बात बताऊं कि इस तरह से किसी को बोलें कि दिहाड़ी पे कर लो तो एक तो कोरोना की वजह से भी थोड़ा डर लगता है घर पे किसी को लाने से, और दूसरी बात कि मिलते भी नहीं है, मैं रियली आपको शॉर्ट में ही बताऊं तो नहीं मिलते, और फिर इसलिए खुद ही करने पड़ जाते हैं अपने घर के काम। तो देखते हैं मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस जो भी थे वो भी हमने किए नहीं है, करने के बाद आपको दिखाएंगे फाइनल लुक। और आप सोफ़ा के बारे में पूछ रहे थे ना, तो कुछ इस तरह का लग रहा है अभी, मतलब इसमें भी लिविंग रूम में भी बहुत सारे चेंजेस करने को बाकी हैं, अभी मैंने इसमें पर्दे वगैरह कुछ नहीं लगाए। और सेंटर टेबल की आप बोल रहे थे बात, तो हाँ इसमें अभी शीशा लगाना बाकी है, मतलब वो उस दिन उनके पास था नहीं इसलिए मतलब उन्होंने बोला कि बाद में लेके आएंगे,
तो अभी वो दे देंगे। और बाकी कितने का पड़ा है, तो 40,000 में 40,000 का ये हमें पड़ा है, मतलब ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं उन सबको मिला करके। जब हमने सोफ़ा लिया था ना, तो उन्होंने बोला कि कुशन वगैरह ये सेंटर टेबल इसके साथ नहीं है, खाली आपको सोफ़ा सोफ़ा ही मिलेगा। लेकिन फिर जब हमने ये सारी चीज़ें कंक्लूड करवा दी इसमें, तब फिर हमें ये 40,000 का पड़ा, मतलब ये कुशन भी और साथ में ये टेबल भी, उसके ऊपर जो शीशा आना है वो भी, सारा कुछ मतलब कुल मिला करके फाइनल मतलब ये रहा। तो अभी चेंजेस करने बाकी हैं, करेंगे वो भी। और बस हमारा ये सब काम चला ही था, मतलब घर में आप समझती हो जब चेंजेस चल रहे होते हैं ना, तो बहुत कुछ इधर उधर होता है और बिखरा पड़ा होता है। तो फिर ये मतलब पूजा आए थे घर पे, और तो मुझे बहुत अजीब भी लग रहा था कि हाँ काफ़ी चीज़ें अभी फैली हुई थी सारी, मतलब उस तरह से नहीं थी। तो बस उन्हीं के साथ हम यहाँ पे गपशप कर रहे थे, और डैडी जी इनके हस्बैंड के साथ, क्योंकि डैडी जी बहुत बातूनी है, कोई भी आ जाए ना तो उसको ये फील तो कभी नहीं करवाने देंगे कि ये हमें जानता नहीं है, ऐसा लगेगा उनको कि नहीं ये तो हमें बहुत पहले से हम इनको जानते ही है। तो ऐसी ऐसी गपशप चली हुई थी। झूला झूलाए ये पनघट नदियाँ किनारे, ये आंगन निंदिया, तू आना हवा के संग मुझको भी तू दिखाना, अपने रंग सुनो मेरे दिल जाने ये कहानी मानी, एक दिन मेरे संग ये जहाँ था तेरा कुछ और मेरा भी अरमा, जाने दिल में क्या कुछ ये बसा था, ये मेरी है कहानी, ये है मेरी कहानी। तुम बोलो कुछ, कुछ सुना दे मिट्टू। मिट्टू ने चोटू क्यों किया, यही सुना दे। नहीं मेरे को चोटू क्यों, मतलब मैं छोटा था ना, कुछ घूमने लगा दिया ना, चोटू करके जाती थी ना, मैं मिट्टू के साथ पार खड़ा, फिर मैं नहीं खड़ा ना पारा। और हेलो कैसे हो, आई होप अच्छे होंगे। तब से मेरे को चोटू करना है, तब से इसको चोटू करना है, क्योंकि इसको भी लड़की बनना है। सानू जो है बहुत छोटू खोल देती है और इसको चोटू करना है। हाँ जी, मैं भी बोल लूं, अब पापा को बोलने का मौका दो। तब चोटू करने की मदद करनी है। फिर एक बात, मेरी पीठ में ना इतनी ज्यादा दर्द हो गई है कि मेरे से सीधा तो कैसे नहीं हो जा रहा है यार, मैंने सोफे उठाए ना। पर यार एक बात है, बंदना को बहुत जोर है इसको, मैं ही बोल रही हूँ। देखो देखो, मतलब अपनी पीठ में इनको दर्द सूझ रहा है, और मैं जो लेडीज हूँ मैंने भी तो उठाए थे। मैं पीछे की तरफ था, वेट ज्यादा था मेरी तरफ को, पीछे तो हम थे। नहीं नहीं, अगले वाले आगे तो है, देखो ये पकड़े जोरी नहीं, पर सोफे ना सच में बहुत ज्यादा भारी थे, और डैडी जी ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई मैं नहीं उठाता, भी रिस्क नहीं लेता, बोले बुढ़ापे में अड्डिया टूट जाए ना तो बोले जुड़ती भी नहीं है ढंग से, इसलिए बोले तुम जानो और तुम्हारे सोफे जानो। जो हमने क्लिप लिया था ना, शानू ने लिया था, उसके लिए बोला छोटे वाले के लिए कि इसमें तो हाथ लगा दो थोड़ा सा, बड़ा बड़ी मुश्किल से हमने पहले तो यहाँ से लेके आए, फिर उसके बाद जब दूसरे के तो बीच में उन्होंने छोड़ दिया गेट पे, फिर मैंने वजन जो फिर सिर पे लिया, मतलब हमने हिमाचल में हमें आदत होती है कि हमने सिर पे घास वगैरह उठाते हैं, तो मतलब सिर पे थोड़ा जल्दी से आ जाता है वजन, और पता नहीं चलता ना वो क्या बोल रहे कि जो बंदे वो 1,000 रुपए सिर्फ यहाँ तक उठवाने के, 1,000 रुपए किसने देने यार, इतना सा है, 20 चलो देने तो पड़ते हैं, पर आप भी कंजूस हो गए, मतलब कंजूस की संगति में रह के ये भी कंजूस हो गए। यार अपना काम अपने आप ही करना चाहिए, जरूरी है, ऐसे नहीं कहीं चोट वोट लग जाए तो। मर्दा नहीं होती चोट, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मर्दा नहीं होती तो लेडीज को तो हो सकती है। हाँ ये बात तो ठीक है। तो बस अब आज के ब्लॉग की यहीं पे करते हैं एंडिंग, और बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि मैं वीडियो डालूंगा बस एक दो दिन के बाद, पक्का मिलूंगा मैं। और ये अमरूद ना हमारे अपने गार्डन के अमरूद लग तैयार हो गए हैं, पर काफी मीठे हैं ये, काफी मीठे भी हैं, रसीले भी हैं, अंदर कीड़े भी गए, कुछ नहीं होते हैं। अच्छा, एक लेके आए थे डैडी जी कल कहीं से ना, तो उनमें कीड़े थे अमरूद के अंदर, और हमारे अमरूदों में नहीं है। चलो ठीक है फिर, बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू।